हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे और आपके चैनल स्टडी क्लास पर। आज मैं आपको JCERT कक्षा 6 का विज्ञान पाठ्य पुस्तक का 13th पाठ विद्युत तथा परिपथ का क्वेश्चन एंड आंसर करवाने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसके पहले बच्चों, मैं आपको इस पाठ को पढ़ा चुका हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न में चार उत्तर दिए गए हैं, उनमें से सही उत्तर में सही का चिन्ह लगाइए। चलिए पहला है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का स्रोत है? विद्युत का स्रोत कौन है बच्चों? सेल। सेल से हमें विद्युत का प्राप्ति होती है। चलिए दूसरा है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन विद्युत का चालक है? तो कौन चालक है बच्चों, जिससे होकर विद्युत प्रवाह हो सकती है? वो है तांबा। चलिए बच्चों, तीसरा है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन विद्युत रोधी पदार्थ है, मतलब किससे होकर विद्युत नहीं जा सकती है? वो है रबड़। चलिए बच्चों, चौथा है, वह उक्ति जो विद्युत परिपथ को जोड़ने और भंग करने में उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं, हम लोग स्विच। स्विच की मदद से हम विद्युत को जोड़ भी सकते हैं और भंग भी कर सकते हैं कभी भी। चलिए बच्चों, पाँचवा है, सेल में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा क्या होती है? तो बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि सेल का जो दिशा होता है वो धन टर्मिनल से होकर ऋण टर्मिनल की ओर जाता है। चलिए बच्चों, दूसरा में है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए बच्चों, पहला है, एक विद्युत सेल में टर्मिनल होते हैं। कितने टर्मिनल होते हैं? दो टर्मिनल होते हैं, पहला धन टर्मिनल, दूसरा ऋण टर्मिनल। दूसरा है बच्चों, धातु में विद्युत धारा की होती है, क्या होती है? सुचालक होती है। विद्युत सेल में पदार्थ भरे होते हैं, कौन से पदार्थ भरे होते हैं? रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं। चलिए बच्चों, चौथा है, गैसों साधारणतः विद्युत के होते हैं, कुचालक होते हैं। पांचवा है बच्चों, विद्युत सेल कौन से ऊर्जा को कौन से ऊर्जा में बदलता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चलिए बच्चों, तीसरा में है, सही एवं गलत का चिन्ह लगाइए। चलिए पहला है, विद्युत सेल में धातु की टोपी ऋण टर्मिनल होता है। नहीं बच्चों, विद्युत सेल में धातु की टोपी को हम लोग धन टर्मिनल कहते हैं। चलो चलिए बच्चों, दूसरा है, टॉर्च के बल्ब में तंतु के भंग रहने पर भी हमारा बल्ब दीप्त होता है? नहीं होता है बच्चों, वो भंग हो जाएगा तो हम लोग का बल्ब कैसे जलेगा, उसे हम लोग कहते हैं कि फ्यूज हो गया है। चलिए तीसरा में बच्चों, विद्युत धारा धातुओं से होकर प्रवाहित होती है? हाँ बच्चों, होती है। चलिए बच्चों, चौथा है, विद्युत परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर जूट की डोरी का प्रयुक्त की जा सकती है? नहीं बच्चों, जूट तो विद्युत का कुचालक है, उसको हम लोग रखेंगे तो विद्युत तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती है, तो इसका हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं। चलिए बच्चों, पाँचवा में है, विद्युत धारा थर्माकोल की शीट से होकर प्रवाहित नहीं हो सकती है? हाँ बच्चों, थर्माकोल से नहीं होती है, सही है। चलिए बच्चों, आगे कुछ क्वेश्चन एंड आंसर आते हैं, चलिए उसको मैं बता देता हूँ। चलिए बच्चों, चौथा में है, व्याख्या कीजिए कि नीचे दी गई व्यवस्था में बल्ब क्यों नहीं दीप्तिमान है? चलिए उत्तर है बच्चों, क्योंकि सेल के ऋण टर्मिनल का पथ प्लास्टिक से जुड़ा हुआ है और प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है, तो कुचालक है तो विद्युत कहाँ से प्रवाह होगी, इसलिए बल्ब दीप्तिमान नहीं है। चलिए अगला है, पाँचवा में, दी गई आरेख को पूरा कीजिए और बताइए कि बल्ब को दीप्तिमान करने के लिए तारों के स्वतंत्र सिरों को किस प्रकार जोड़ना चाहिए? तो उत्तर है बच्चों, बल्ब को दीप्तिमान करने के लिए बल्ब के ऋण टर्मिनल तार को सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ना होगा, उसी प्रकार बल्ब के धन टर्मिनल को सेल के धन टर्मिनल से जोड़ना होगा, तब हमारा बल्ब जाके दीप्तिमान होगा। चलिए बच्चों, अगला छठा में है, आपके घर में स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने क्यों पहनते हैं? तो उत्तर है बच्चों, क्योंकि रबड़ विद्युत का कुचालक है और उन्हें काम करते समय विद्युत का झटका ना लगे, इसलिए वो काम करते समय रबड़ का दस्ताना पहनते हैं। चलिए सातवां में है बच्चों, बिजली के औजार जैसे पेचकस और प्लायर्स के हत्थों पर प्रायः प्लास्टिक के आवरण चढ़े होते हैं, क्यों? व्याख्या कीजिए। चलिए बच्चों, उत्तर है, पेचकस और प्लायर्स के हत्थों पर प्रायः प्लास्टिक के आवरण चढ़े होते हैं क्योंकि प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है और विद्युत मिस्त्री को काम करते समय
विद्युत का झटका ना लगे इसलिए बिजली के औजारों के हत्थों पर प्लास्टिक का आवरण चढ़ा होता है। चलिए अगला आठवां में है, चित्र में दिखाए गए विद्युत परिपथ में लगे तारों के स्वतंत्र सिरों को यदि रबड़ से जोड़ दिया जाए तो क्या बल्ब हमारा दीप्तमान होगा? उत्तर बच्चों, बल्ब दीप्तमान नहीं होगा क्योंकि रबड़ विद्युत का साधन नहीं है, तो विद्युत उसमें है ही नहीं रबड़ में, तो हमारा बल्ब दीप्तमान कैसे होगा। चलिए अगला नौवां नंबर में है, चित्र में दिखाए गए विद्युत परिपथ में लगे तारों के स्वतंत्र सिरों में एक पदार्थ को जोड़ने पर बल्ब दीप्तमान हो जाता है, वह पदार्थ विद्युत का चालक है अथवा विद्युत का रोधक? व्याख्या कीजिए। चलिए उत्तर है बच्चों, वह पदार्थ विद्युत का चालक होगा क्योंकि विद्युत का चालक में विद्युत प्रवाह होती है और विद्युत प्रवाह होते हुए सेल में जाएगी तो हमारा बल्ब दीप्तिमान होगा। चलिए बच्चों अगला लास्ट में है, क्या विद्युत का ना होना हमारे जीवन को प्रभावित करेगा, कैसे? तो उत्तर है बच्चों, हाँ विद्युत का ना होना हमारे जीवन को प्रभावित करेगा क्योंकि हम लोग बहुत सारे काम विद्युत के बिना नहीं कर सकते हैं, जैसे पंखे, मोटर, घड़ी, फ्रीजर, मशीनें इत्यादि में हम लोग विद्युत का प्रयोग करते हैं और रात को हम लोग विद्युत के बिना नहीं गुजार सकते हैं, इसीलिए विद्युत का ना होना हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करेगा। चलिए बच्चों यहाँ पर हम लोगों का चैप्टर हो चुका है कम्प्लीट, इसी तरह मैं आगे का चैप्टर भी पढ़ाऊँगा, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों को कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आप लोग मेरे आने वाले वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। चलिए बच्चों अगला वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।